है आपका स्वागत है। मैं रिजवान परमार, आर्टिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस। ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के एटिकेट्स में ये जो सीरीज है, पिछले 2 वीडियो में आपने ये जाना कि आर्ट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरी वीडियो में आपने ये जाना कि एक प्रॉपर हैंडशेक कैसा होता है। आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप खुद को तो इंट्रोडक्शन करा लिया, लेकिन अब किसी और को इंट्रोडक्शन कराने की जब बारी है तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है। जी हाँ, उसके भी तौर तरीके हैं। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, कुछ चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करना है। अब वो क्या है, जैसे मैंने तो कर लिया इंट्रोडक्शन, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। हाय, मेरा नाम रिजवान परमार है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारे साथ, बता दे भाई अपने बारे में ज़रा बता दे। ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये टोटली अनप्रोफेशनल है और इससे सामने वाले पर इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता। इसके भी कुछ तौर तरीके हैं, आज वो जान लेते हैं। पहला है, ऑलवेज शो रिस्पेक्ट, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो, गेस्ट हो, कस्टमर हो या रिलेटिव हो। ऑलवेज शो रिस्पेक्ट। जब भी आप किसी का नाम लेते हैं ना, जब किसी को जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनको आप एड्रेस कीजिए। जैसे ये है हमारे मिस्टर अरविंद, जो एड्रेस करते हैं आप उनका नाम अच्छे से बताइए। दूसरा है, लेडीज फर्स्ट। देखो, जब भी आप किसी दो सेम उम्र के लोगों को और सेम डेजिग्नेशन के लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हो, जिसमें से एक लेडीज है और एक जेंट्स, तो ऐसा कीजिए कि आप पहले लेडीज को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद जेंट्स को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये है मिस प्रियंका हमारी अकाउंटिंग टीम से, और ये है मिस्टर राकेश हमारे सेल्स हेड। या तो फिर दूसरा एग्जाम्पल, यह है मिस्टर राकेश और यह है मिस प्रियंका हमारे अकाउंटिंग हेड, और यह है मिस्टर राकेश हमारे सेल्स हेड। तो इस तरीके से आप लेडीज को पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसका जो फर्स्ट नेम है उससे परमिशन लेकर ही लीजिए। जैसे अगर कोई कहता है कॉल मी ब्रिशेश, मतलब अगर आपको के सामने वाले ने परमिशन दी है कि उसके फर्स्ट नेम से बोलने की, तब आप उसके फर्स्ट नेम से उसका नाम ले सकते हैं। चौथी चीज है कि अपना नाम बताओ अगर कोई भूल गया है तो। जैसे कोई आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है और आपको ऐसा लग गया कि, मतलब बोलते ना कि वो भूल गया मेरा नाम, तो उसको याद दिला दो अपना नाम, ताकि जो है सामने वाले को जो है एम्बेरेसमेंट फील ना हो। पांचवा है, जब भी आप किसी दो डिफरेंट लोगों से आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तो हमेशा खड़े होकर कीजिए। इसी के साथ आप हैंडशेक कीजिए, मतलब हाथ मिलाएं, ये बेहतर रहता है। इससे ये जाहिर होता है कि आप सामने वाले पर्सन से मिलने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं और कंफर्टेबल भी है, और ये बहुत ही पोलाइट और एक हम्बल फॉर्म ऑफ जेस्चर है। सिक्स्थ पॉइंट है, जब भी आप किसी न्यू पर्सन से आप मिलते हैं ना, तो उसका नाम कम से कम 2 से 3 बार जरूर लीजिए। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई इसका नाम क्या है, आपका याद हो जाएगा इसका नाम। दूसरा, सामने वाले इंसान को जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंस फील होता है कि हाँ भाई मेरी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है ज़्यादा बार उसका नाम ना ले लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो सोचने लगे कि भाई बार बार मेरा ही नाम क्यों लिया जा रहा है यहाँ पर। सातवां पॉइंट है कि जब भी आप दो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से मिलवा रहे हो ना, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में बता दो थोड़ा थोड़ा, ताकि दोनों को आपस में मिलने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। एग्जाम्पल जैसे, हेलो टीम, ये है मानस हमारे नए अकाउंटिंग हेड, पहले इन्होंने ये कंपनी में काम किया है, और खास बात तो ये है कि पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे बहुत ही फ्रेंडली और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। आठवीं चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, गेट द नेम्स राइट। जी हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है किसी का नाम भूल जाना या गलत तरीके से प्रोनाउंस करना। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने गलती से अगर प्रोनाउंस गलत तरीके से कर दिया है किसी का इंट्रोडक्शन करने के टाइम, तो उससे माफ़ी मांग ले और उसका सही नाम जान लीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है किसी का नाम लेने में, तो उससे एक बार आप मिलिए, बात कीजिए कि आपका परफेक्ट, बोलते ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए उनके नाम की। तो जब भी आप किसी से इंट्रोडक्शन कराएं किसी और से, तो आपके मुंह से जो है वो सही नाम निकलना चाहिए, गलत नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मायने रखता है ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में। अब जब इंट्रोडक्शन की बात है और बिजनेस कार्ड की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपना बिजनेस कार्ड जब आप एक दूसरे से शेयर करते हो ना, एक्सचेंज करते हो, उसके भी कुछ एटिकेट्स हैं, उसके भी कुछ डिसिप्लिन्स हैं, जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए इस वीडियो को में आपने जो भी सीखा है, आपने देखा है, इतना टाइम अपना दिया है, तो जो कुछ भी सीखा है इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते,
इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में अपने उच्च विचार लिखना ना भूलें। मैं पढ़ता हूँ और आपके साथ बात भी करता हूँ वहाँ पर, तो अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे से कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपसे वहाँ पर भी थोड़ी बहुत चैटिंग कर लूँ। और जल्द ही मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में।